हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और एटीके मोहन बगान एफसी से रिलेटेड लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को एटीके मोहन बगान एफसी के साइनिंग को लेकर पता चल ही चुका होगा कि अनवर अली को एटीके मोहन बगान एफसी ने 4 सालों के लिए साइन कर लिया है दिल्ली एफसी से। क्योंकि दोस्तों, दिल्ली एफसी से एफसी गोवा ने साइन किया था लोन डील पर अनवर अली को, और आईएसएल सीजन 9 खत्म होते ही अनवर अली का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाता है एफसी गोवा के साथ। तो इसीलिए दिल्ली एफसी मैनेजमेंट के साथ बातचीत करके एटीके मोहन बगान एफसी मैनेजमेंट ने साइन कर लिया है 4 सालों के लिए अनवर अली को। 11 करोड़ का डील साइन किया है अनवर अली ने, तो काफी बड़ा अमाउंट है किसी भी इंडियन डिफेंडर के लिए अब तक का। और अगर आगे हम बात करें एटीके मोहन बगान एफसी के एक और अपडेट के बारे में, तो दोस्तों अनवर अली के बाद बीएफसी के मिडफील्डर दानिश फारूक को एटीके मोहन बगान एफसी ने काफी बड़े रकम का ऑफर दिया है। तो दोस्तों, दानिश फारूक के बारे में अगर बात किया जाए, तो दानिश फारूक ने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया था रियल कश्मीर एफसी से आई लीग में, और दोस्तों उसके बाद दानिश फारूक ने बेंगलुरु एफसी को साइन किया और अभी भी फिलहाल बेंगलुरु एफसी में ही है। लेकिन दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा चांस है कि नेक्स्ट ईयर हम सभी को दानिश फारूक एटीके मोहन बगान एफसी के कलर्स में खेलते हुए दिखेंगे। और उसके बाद बात करें हम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के संपर्क में, तो दोस्तों कल ही मैंने आप सभी को अपडेट दे दिया था कि जॉन गास्तांगा ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने जॉन गास्तांगा के चले जाने के कुछ ही घंटों के बाद उनका रिप्लेसमेंट खोज लिया है। तो दोस्तों, इस खिलाड़ी के बारे में अगर बात किया जाए, तो इनका नाम है पेड्रो ताना और आई लीग टीम चर्चिल ब्रदर्स में खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों, अभी फिलहाल का जैसा खबर है कि चर्चिल ब्रदर्स के साथ पेड्रो ताना ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लिया है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट ने पेड्रो ताना को साइन कर लिया है जॉन गास्तांगा के रिप्लेसमेंट में। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है ये साइनिंग को लेकर, आप अपना राय जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।